हेलो दोस्तों, आज की इस वीडियो में आपको बताऊंगा कि आप अपने मोबाइल के द्वारा मास्क आधार को कैसे डाउनलोड कर सकते हैं। दोस्तों, मास्क आधार कुछ देखने में कुछ इस प्रकार का होता है। आप देख सकते हो कि इसका पहला जो 8 डिजिट है वो कुछ इस प्रकार से क्रॉस बना हुआ रहता है। ठीक है, तो दोस्तों सिंपली क्या करना है, आपको अपने क्रोम ब्राउजर में चली जानी है और यहाँ पे आपको सर्च कर लेनी है टेक्स्ट में जो है, यहाँ पे आप देख सकते हो UIDAI government.in, इसको आपको लिख लेनी है और यहाँ पे आपको इसको आगे बढ़ जानी है। और जो फर्स्ट वाला आपका यहाँ पे UIDAI का लिंक आएगा जो आधार का ऑफिशियल वेबसाइट है, उसमें आपको चली जानी है। यहाँ पे दोस्तों आपको इंग्लिश वाले लैंग्वेज को सिलेक्ट कर लेनी है और यहाँ पे दोस्तों आपको सिंपली थोड़ा सा नीचे आ जानी है और यहाँ पे पॉपअप आएगा, इसको हटा देनी है। इसके बाद दोस्तों यहाँ पर आपको गेट आधार का ऑप्शन मिलता है, ऊपर में देख सकते हो। तो इसमें आपको दोस्तों डाउनलोड आधार वाला ऑप्शन में आपको क्लिक कर लेनी है। तो यहाँ पर डाउनलोड आधार में आप आ जाएंगे और यहाँ पे नीचे आपको डाउनलोड आधार का ऑप्शन मिलेगा, इसमें आपको क्लिक करनी है। यहाँ पर दोस्तों आपको क्या करना है, आधार नंबर अपना फिल करनी है। तो मैं यहाँ पे फिल कर लेता हूँ। तो दोस्तों आधार नंबर फिल करने के बाद यहाँ पे आपको कैप्चा कोड भी फिल कर लेनी है। अगर आपको कैप्चा कोड समझ में नहीं आएगा तो यहाँ पे आपको जो रिसाइकिल वाला ऑप्शन आता है इसमें क्लिक करके आप दोबारा दूसरा यहाँ पे कैप्चा कोड ले सकते हैं। तो मैं यहाँ पर फिल कर लेता हूँ। एक एक चीज को आपको ध्यान से फिल करना है कि क्या क्या लिखा हुआ है। दोस्तों सब कैपिटल में है तो कैपिटल, या स्मॉल में है तो स्मॉल में आपको यहाँ पे अच्छे से कैप्चा कोड को फिल कर लेनी है और यहाँ पे सेंड OTP में क्लिक करनी है। अगर आपका कैप्चा कोड फिल रहेगा, सही रहेगा, तो कैप्चा कोड यहाँ पे देख सकते हो इनवैलिड आ गया। तो दोबारा से मैं कैप्चा कोड यहाँ पे फिल कर लेता हूँ। अब दोस्तों यहाँ पे मैं सेंड OTP में क्लिक करूंगा और यहाँ पे मेरा जो OTP है वो जनरेट हो चुकी है। अब दोस्तों यहाँ पर मैं अपना OTP जो है उसको यहाँ पे फिल कर लूंगा। लेकिन इससे पहले दोस्तों आपको यहाँ पे एक ऑप्शन आता है, देख सकते हो, डू यू वांट टू ए मास्क आधार। तो दोस्तों इसको क्लिक कर लेनी है। ठीक है, अब इसके बाद दोस्तों आपको यहाँ पे OTP जो है वो फिल कर लेनी है। तो चलिए मैं यहाँ से कॉपी कर लेता हूँ इसको और यहाँ पे मैं इसको फिल कर लेता हूँ। ठीक है, इस जगह पे तो यहाँ पे वेरीफाई एंड डाउनलोड में क्लिक करूंगा। तो यहाँ पर दोस्तों मेरा यहाँ पे आधार जो है वो डाउनलोडिंग होना स्टार्ट हो गया है। थोड़ा सा यहाँ पे वेरिफिकेशन ले रहा है और कॉन्ग्रेचुलेशन बोल दिया है। ठीक है, अगर आपका मोबाइल नंबर से लिंक रहेगा तभी होगा दोस्तों ये। तो यहाँ पर मेरा जो है डाउनलोड हो चुका है। तो चलिए अब मैं इसके डाउनलोड को दिखाता हूँ कि किस तरह से है। तो दोस्तों यहाँ पे सिंपली क्लिक करके 3 डॉट में और यहाँ पे डाउनलोड वाले ऑप्शन में आ जानी है और यहाँ पे इसको क्लिक कर लेनी है और यहाँ पे आपका पासवर्ड मांगा जाएगा। तो मैं यहाँ पे पासवर्ड डाल लेता हूँ। और दोस्तों पासवर्ड क्या होगा, आपका फर्स्ट नेम का जो पहला जो 4 अक्षर है यानी कि वो सारा कैपिटल में होगा और आपका डेट ऑफ बर्थ जो भी होगा उसका ईयर। यहाँ पर देख सकते हो मेरा आधार जो है वो डाउनलोड हो चुका है। मैं कुछ हद तक इसको जो है मैं ब्लर करके रखा हूँ और देख सकते हो पहला वाला जो मेरा 8 डिजिट है वो मेरा यहाँ पे क्रॉस क्रॉस बना हुआ है। तो दोस्तों आप इस आधार का यूज कर सकते हैं कहीं पे भी आप इसको देने के लिए। जैसे अगर आप सिम लेना चाहते हैं वहां पर, अगर आपको आधार कार्ड मांगा जा रहा है तो आप इस आधार का यूज कर सकते हैं जिसमें आपका सारा डिटेल्स है लेकिन आपका आधार नंबर मास्क्ड रहेगा। ठीक है, तो आई होप दोस्तों आपको इस वीडियो में समझ में आ गया होगा कि कैसे आप मास्क आधार को डाउनलोड कर सकते हैं। अगर आपको ये वीडियो थोड़ी सी भी हेल्पफुल लगी होगी तो ये अपने दोस्तों को शेयर करिए और फ्रॉड से बचिए। ठीक है, थैंक यू दोस्तों इस वीडियो को लास्ट तक देखने के लिए। जय हिंद, वंदे मातरम।